खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का स्वागत किया है। उन्होंने इस कदम के लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार को बधाई दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर सरकार ने कार्रवाई कर नए आरोपियों को जेल भेजने का काम किया। नकल करने वालों व नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार अब नकल विरोधी जो है अध्यादेश लेकर आई है। वहीं सीबीआई जांच के सवाल पर कैलाश शर्मा ने कहा कि युवाओं के हित में जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए था। बार बार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही थी उन परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा था या करवाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए उचित दंड के साथ प्रावधान करते हुए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने पार्टी संगठन की चिंता के अनुसार जनता की आवश्यकता के अनुसार नकल विरोधी कानून बनाया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ।